दोस्तों, ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। बजट करीब 410 करोड़ रुपए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 3 हफ्तों का सफर पूरा कर लिया है, लेकिन इसके कलेक्शन को लेकर कंफ्यूजन है। समझिए, इसे हिट माना जाए या फिर फ्लॉप। ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर 3 हफ्ते का सफर पूरा कर लिया है। 22 दिनों बाद फिल्म की कुल कमाई देश में सभी 5 भाषाओं में 258.53 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि हिंदी वर्जन में इसने शुक्रवार तक 231.59 करोड़ रुपए कमाए हैं। 9 सितंबर को रिलीज के 3 हफ्ते बाद पहली बार वे 22वें दिन फिल्म की कमाई करोड़ों से घटकर लाखों में हुई है। फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने फिल्म की रिलीज के 10 दिन बाद आखिरी बार ब्रह्मास्त्र का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 360 करोड़ रुपए बताया था। इसके बाद से फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसकी कमाई को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों के बीच फिल्म को हिट और सुपरहिट घोषित करने के दावों की बाढ़ आई हुई है। कोई दावा कर रहा है कि ये ब्रह्मास्त्र ने द कश्मीर फाइल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो किसी का कहना है कि फिल्म ने KGF 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन सच क्या है? हमने फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों से बातचीत करके ब्रह्मास्त्र के हिट और फ्लॉप के गणित की बारीकी से पड़ताल करने और जानने की कोशिश की थी। फिल्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली किसी भी फिल्म का भविष्य पहले वीकेंड या ज्यादा से ज्यादा पहले हफ्ते के बाद तय हो जाता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट को लेकर अभी तक जद्दोजहद जारी है। जबकि फिल्म के रिलीज को 3 हफ्ते हो गए हैं, इसकी असल वजह फिल्म के निर्माताओं द्वारा आधिकारिक रूप से इसकी कमाई वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में जारी करना है। जबकि सामान्य तौर पर किसी भी हिंदी फिल्म की कमाई नेशन वाइड नेट कलेक्शन में जारी की जाती है। शुरुआत में कई फिल्म ट्रेंड एक्सपर्ट्स ने इस पर सवाल भी उठाए थे। क्या है नेट और ग्रॉस कमाई का फंडा? बॉलीवुड में अब 100 करोड़ क्लब को सफलता का पैमाना माना जाता है, यानी कि अगर कोई फिल्म 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ले तो उसे इस क्लब का मेंबर मान लिया जाता है। अभी तक 100 हिंदी फिल्में ये कारनामा कर चुकी हैं, इसलिए तमाम फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को इस क्लब में पहुंचाने के लिए तमाम जुगाड़ भिड़ाते हैं, ताकि उनकी फिल्म को इस बहाने दर्शकों के बीच लोकप्रियता मिल सके। इसके लिए वह कई बार फिल्म का नेशन वाइड नेट कलेक्शन बताने की बजाय वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जारी करते हैं, उसे 100 से 200 करोड़ क्लब में शामिल बताकर वाहवाही लूट लेते हैं। सीधा सा हिसाब है, कोई भी बॉलीवुड फिल्म भारत में जितनी कुल कमाई करती है उसे नेशन वाइड ग्रॉस कलेक्शन कहा जाता है। इसमें से टिकटों पर लगने वाले टैक्स और दूसरे खर्चों को घटा दे तो नेशन वाइड नेट कलेक्शन बचता है, जिसे फिल्म की असल कमाई मानी जाती है। नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का अंतर। फिल्म ब्रह्मास्त्र ने रिलीज के 3 हफ्ते बाद देश भर में 294 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जबकि इसका नेट कलेक्शन 22 दिन बाद 258.93 करोड़ रुपए है। वहीं अगर इसमें से फिल्म की साउथ की भाषाओं में डब वर्जन की कमाई 27.34 करोड़ रुपए घटा दे तो ब्रह्मास्त्र ने पहले 3 हफ्तों में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 231.69 करोड़ रुपए करीब का नेट कलेक्शन किया है। जब नेशन वाइड कलेक्शन में ओवरसीज कलेक्शन यानी कि फिल्म की विदेशों में हुई कमाई को जोड़ दिया जाए तो उसे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कहा जाता है। यहाँ भी ग्रॉस और नेट कलेक्शन का फंडा उसी तरह लागू होता है, यानी कि किसी फिल्म की दुनिया भर में हुई कमाई को उसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कहा जाता है, जो कि फिल्म ब्रह्मास्त्र के मामले में 3 हफ्ते बाद करीब 393 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ऐसे ही और नए फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।